इंतजार करो, वक्त का इंतजार करो, जो होगा सो सामने आएगा। ये रहा जमींदार सुल्तान सिंह का ऐलान जाहिर रहेगा, ऐलान जाहिर रहेगा, जो करूं सो मेरा अधिकार है। जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, और बुझी को राख कहते हैं। है बंदुकिया से निकली गोलियां सुल्तान सिंह कहते हैं। मास्टर जी कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे मास्टर साहब? और समय कितना भी नाजुक हो जमाना, याद आता समय कितना आप लोग अगली सीन देखेंगे इस ब्रेक के। साला बागेलाल रामचंद्र। यस बाबूजी, जय शंकर। वेरी गुड थैंक्स। बहुत अगली से आते हैं बाबू साहब, अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, तब आप कराता ही हम। क्या कर रहा है? नौकरी ही। नौकरी का नाम पहले लिया जी बाबूजी। रामचंद्र तुझे मालूम होना चाहिए, ये बताओ रैयत का क्या समाचार है? आपकी रैयत का सब चमार ठीक है। अच्छा, और सब राजा राज करता, प्रजा दिन की करता। हाँ, रैयत के क्या क्या ठीक है? रैयत का एक अच्छा बताओ, पहले बता। हाँ ठीक ठाक बाटे सब। रैयत का बाबू साहब ना, समाचार सब ठीक ठाक है। जवान में लगाम रख, आज के बाद ऐसी गलती ना हो बाबू साहब। कैंची से जवान चल रही है, आइंदा ऐसी हरकत किया ना बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। बोलबे नहीं करा, समझे? ठीक है बाबू साहब। रामचंद्र जी बाबूजी, रैयत का समाचार सब ठीक है? रैयत का समाचार सब ठीक है बाबू साहब। जितनी जनता है, जितनी प्रजा है आपकी, अच्छा, सब आपके नाम की जय जयकार कर रही है। बहुत सुंदर, यही होना चाहिए। रामचंद्र जी बाबूजी, जैसे कि तुझे मालूम होना चाहिए, हाँ बाबूजी, आज की रात ये प्रांत सीतापुर है, जिला सीतापुर है। अरे
अमरगढ़ है, अमरगढ़ है ग्राम अमरगढ़ का रहने वाला। मेरा नाम जमींदार यशवंत सिंह है, प्यार से मुझे लोग चौधरी साहब कहते हैं। समझ रहे हो जी बाबूजी, हमारे नाम की जय जय कार है रामचंद्र जी बाबूजी। जैसे कि मेरा काम क्या है, आपका काम क्या है? मेरा काम है शराब पीना, जुआ खेलना, कोठे पर जाना, ऐसो आराम करना, यही मेरा काम है। लेकिन बाबू हो, और मेरा काम क्या है बाबू? छिनरप्पन करा था काम। कौन तुमसे बातें कर रहा था? कौन तुमसे पूछ रहा था? जब कोठे पे जा था ऐसो आराम करा था, देकर मतलब यह तो भाव ही में जितना मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान देकर सुन, ठीक है ना? उसके बाद जवाब देना, ठीक है ना? समझे? अकरे बात। और मैं गरीबों में कर्ज बांटता हूँ। यानी आप गरीबों में कर्ज बांटते हैं? गरीबों में कर्ज बांटता हूँ, ब्याज एक पैसा नहीं लेता हूँ। मौका पड़ने पर एक जीरो जीरो बढ़ा देता हूँ। नो लफड़ा, नो झंझट, नो टेंशन, किसी प्रकार का टेंशन नहीं रहता है। यानी भैया अगर 100 रुपया ले यहाँ तो वहाँ 1 जीरो बढ़ाए दें तो 1,000 हो गया, अगर 1 जीरो और बढ़ा दें तो 10,000 हो गया। 10,000 हो गया, समझ गए ना? किसी चीज का टेंशन नहीं रहता। कहते हैं इसको, कहते हैं बुद्धि। बुद्धि नहीं साले, बुद्धि बुद्धि बुद्धि, समझ रहे हो? और इस समय मेरे परिवार में सिर्फ 2 सदस्य। कौन कौन है बाबूजी? एक तो मैं हूँ, दूसरी हमारी बेटी है जिसका नाम अपनी जबान से कभी नहीं लेता। लेकिन बाबूजी आप क्यों अब बहनी का नाम ना ले जा? इसलिए नहीं लेता हूँ कि जब वो पैदा हुई, पैदा होते ही उसकी माँ मर गई, इसी से मैं उसका नाम नहीं लेता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो डायन है और पापनी है और कुलच्छनी है, इसी से मैं उसका नाम कभी नहीं लेता हूँ। एक मेरा दोस्त है जिसका नाम सुल्तान सिंह है, हमारे लिए हर हफ्ते एक सुंदर लड़की लाता है जिसके साथ मैं ऐसो आराम करता हूँ। रामचंद्र जी बाबूजी, जरा पता करो इस समय मेरा दोस्त कहाँ पर है? काफी दिन हो गया मुलाकात नहीं हुई है। ठीक है बाबूजी, आप बैठिए, हो सकता हो आते ही। ठीक है, मैं बैठ रहा हूँ, हो ना हो आता ही। ठीक है बैठिए। चौधरी साहब। बाबू जय शंकर। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ये बताओ तुम कैसे हो? मैं भी अच्छी तरह हूँ। अच्छी तरह ही रहना चाहिए। आप बैठिए, कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो क्या कहना चाहते हो? सफल हो ये सब काम है,
सभी लोग दिखाई दे रहे हैं लेकिन आपकी बेटी चांदनी नहीं दिखाई दे रही है। सुल्तान सिंह, मैंने तुझे कई बार समझा दिया कि उसका नाम मत लिया करो, लेकिन जब तुम राज दरबार में आते हो तो उसी का नाम घुराते हो। ठहरे हमारे दोस्त, वरना इस राज दरबार से तुझे निकाल देता। ठाकुर साहब बोलो, मेरी बात सुनिए, वो आपकी बेटी है, मेरी बेटी नहीं है। तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन उसका नाम सुनते ही मेरा खून खौल जाता है। ठीक है बैठिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो क्या कहना चाहते। और आज की गलतियां सब मेरी माफ हो, आज की गलतियां ये मेरी माफ हो। क्या है जरूरी वो बतलाइए, क्या है करना मुझे तो बता तुम अभी, काम क्या है जरूरी। तो जानना चाहते हो हमारे लिए कोई सेवा है बताओ। हाँ मैं बता रहा हूँ, गलती किया मैंने सुल्तान सिंह, माफ गलती किया मैंने सुल्तान सिंह। जल्द जाओ चले अर्जुन के मकान, रूपया देता है तू लेके आओ अभी, वरना नीलाम कर देना उसका मकान। बोलो, आपके कहने का मकसद यह है कि मैं इस समय अर्जुन के घर जाऊँ। घर जाओ, उसके यहाँ जो 50,000 रुपए बाकी है कर्ज है, देता है उसको, ठीक है उसको लेके आऊँ। अगर देता है तो देता है, अन्यथा मैं अपना ताला ला के। हाँ ये काम ठीक है चौधरी साहब, मैं अभी इसी वक्त जा रहा हूँ। जाइए जाइए, जय शंकर जय शंकर। रामचंद्र देख रहा है जी, हाँ यही साहब। हमारा दास सुल्तान सिंह है बाबू, बहुत हमारे कहने पर कठपुतली की तरह नाचता है, जैसे मैं कहता हूँ वैसे वो करता है। ठीक है, अब गया है अर्जुन के यहाँ, 50,000 रुपए कर्ज है, देता है तो ठीक है, नहीं तो अपना ताला लगा देगा, घर से भी घर हो जाएगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। बंदूक मेरी उठा, मैं यहां से चलता हूँ। ठीक है बाबू साहब। हाँ दोस्तों, ये देखिए सुल्तान सिंह अर्जुन जी के घर जा रहे हैं, देखो वहां सीन कैसे मोड़ लेते हुए क्या कहते हैं और क्या वहां पर होता है, आप लोग देखिए सीन आगे बढ़ रही है। हाँ
लोगों को बतला देना चाहता हूं कि मैं कहां का रहने वाला हूं और मेरे परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो साथियों, मैं जिला सीतापुर ग्राम अमरगढ़ का रहने वाला हूं और मेरे परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। जी हां, मेरे परिवार में मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मेरा एक छोटा भाई है। मेरे छोटे भाई का नाम अमर सिंह है। मैं अपने भाई अमर सिंह को पटना डॉक्टरी पढ़ने के